इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आजकल के फ़ोनों में फ्लैश आईसी किस किस कंपनियों की आती हैं और कौन से वर्जन चल रहे हैं, क्योंकि घर के बगल वाला भी पड़ोसी होता है और घर के जस्ट पीछे वाला भी पड़ोसी होता है। तो सीपीयू के जस्ट बगल में फ्लैश आईसी या बैक साइड फ्लैश आईसी लगी होती है, ये बोर्ड में पहचान होती है। ये फ्लैश आईसी, इसमें नंबर स्टार्ट है KM से, तो KM मतलब रैम प्लस रोम, इसमें रैम और रोम दोनों हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फ्लैश आईसी की पहचान समझ में आई होगी और कुछ कंपनियों के नाम आपके सामने खुल के आए। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने आई होप कि पुरानी वीडियो देख ली होगी सीपीयू की, कि हम बोर्ड में प्रोसेसर को कैसे पहचानते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आईसी की पहचान का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, जो आईसी पहचानने की सीरीज चल रही है ये एक बेसिक लेवल की है, कृपया आप इसको माइक्रो लेवल तक मत ले जाएं, क्योंकि हमारा सेकेंड आईसी कुछ इसी से बिलोंग करता है, वो है मेमोरी आईसी। तो मेमोरी आईसी का चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका तो स्टार्टिंग में एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया था लोगों ने 2016-17 में, कि MMC कोर्स, यानी एक हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग होती थी, उसमें MMC से रिलेटेड यानी फ्लैश आईसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। लेकिन हम सिर्फ इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आजकल के फ़ोनों में फ्लैश आईसी किस किस कंपनियों की आती हैं और कौन से वर्जन चल रहे हैं, दैट्स इट, और उसको बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, सिर्फ इतना ही। और ज़्यादा डिटेल पे जानने के लिए आप आइए और एक इन्फो की माइक्रो लेवल की क्लास ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करें फ्लैश आईसी, फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी के नाम से आता है कि जो हमारे फ़ोन के अंदर प्रोसेसर लगा होता है यानी माइंड लगा होता है, तो वो माइंड वर्क करने के लिए उसके पास एक याददाश्त होनी चाहिए। याददाश्त मीन्स कि एक मेमोरी होनी चाहिए। तो फ़ोन जैसे वर्क करता है वो सारी प्रोग्रामिंग रखी किसके अंदर होती है, फ्लैश आईसी के अंदर, यानी मेमोरी आईसी के अंदर। तो वो एक कॉमन नेम है फ्लैश आईसी। तो उसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग पड़ी होती है, जो फाइल होती है 1 TB, 500 MB, वैसे तो एंड्रॉयड फ़ोन की अब इतनी छोटी फाइलें नहीं आती हैं, फ्लैश जो फाइल होती है वो काफ़ी लेंदी आती है, TB में आती है। तो वो फाइल उसके अंदर पड़ी होती है और जो प्रोसेसर होता है उसको देखकर काम करता है कि कैसे काम करना है। दूसरी बात ये कि सीपीयू और फ्लैश आईसी हमेशा साथ साथ लगे होते हैं। साथ साथ मतलब सीपीयू के जस्ट बगल में फ्लैश आईसी या सीपीयू के जस्ट बैक साइड फ्लैश आईसी लगी होती है, क्योंकि घर के बगल वाला भी पड़ोसी होता है और घर के जस्ट पीछे वाला भी पड़ोसी होता है। तो सीपीयू के जस्ट बगल में फ्लैश आईसी या बैक साइड फ्लैश आईसी लगी होती है, ये बोर्ड में पहचान होती है। दूसरा, हम इसकी कंपनियों के नाम बताएंगे। और सीपीयू के बगल में लगे होने का रीज़न यही है कि छोटे से छोटा काम करना है तो उसे एक लिस्ट देख के काम करना है, और वो लिस्ट, वो प्रोग्रामिंग फ्लैश आईसी के अंदर पड़ी हुई है। तो सीपीयू क्या करता है कि उस फ्लैश आईसी की फाइल को देख कर सारा वर्क करता है, यानी सारा काम करता है, चाहे आपको फ़ोन को वाइब्रेट कराना हो, या फ़ोन को ऑन करना हो, या कैमरे को ऑन करना हो, या स्लीप मोड से बाहर लाना हो, या कोई भी काम हो, तो सीपीयू जो भी फाइल देखेगा वो फ्लैश आईसी से देखकर काम करेगा। और सीपीयू और फ्लैश आईसी में क्या होती है, इतनी ज़्यादा बॉल्स का कनेक्शन होता है, यानी सीपीयू की सबसे ज़्यादा बॉल फ्लैश आईसी की सबसे ज़्यादा बॉल से कनेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फ्लैश आईसी की कंपनियों के नेम क्या क्या हैं, यानी कौन सी कंपनियां हैं जो फ्लैश आईसी बनाती हैं। तो स्टार्टिंग जब हुई थी तो जो मेमोरी कार्ड की कंपनी थी उसी कंपनियों की फ्लैश आईसियां आती थी, फिर और भी कंपनियां जो आजकल लेटेस्ट फ़ोनों में सबसे ज़्यादा मिलने वाली कंपनियां हैं वो हम बताते हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चार कंपनियाँ हैं जो फ्लैश आईसी की आती हैं। पहला SK Hynix, इस कंपनी की फ्लैश आईसी बनती हैं। दूसरा माइक्रन, माइक्रन में कुछ इस टाइप का लोगो होगा, माइक्रन। तीसरा है सैंडिस्क, और फोर्थ नंबर है सैमसंग। तो सैमसंग में स्टूडेंट्स दो आईसियाँ आती हैं, एक KM नंबर से स्टार्ट होता है
और दूसरा KL, इन नंबर से स्टार्ट होते हैं ICs। तो और बताते हैं हम आपको कि इसमें वर्जन्स भी आए हैं। वर्जन मतलब कि आपने सुना होगा कभी MMC, कभी MCP, कभी UFS चिप। जब भी कोई नया वर्जन आता है तो काफ़ी हाहाकार मचता है। तो वैसे ही पहले MMC आया, फिर UFS, फिर अचानक से जब UFS आया तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ, प्रोग्रामिंग काफ़ी कुछ चेंज हुई, जो कि आपको माइक्रो लेवल के रिपेयरिंग में बताई जाती है वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है। जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो UFS का 2.0 से 3.3 वर्जन चल रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि 4.0 मार्केट में आ चुका है UFS, तो स्टूडेंट्स चिप आ चुकी है लेकिन अभी हम लोग रिपेयरिंग के लिए नहीं आया, बोर्ड में किसी मॉडल में लग के ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें हमने रिपेयरिंग करी हो। तो ये सैमसंग का आपने सुना होगा S23, उसमें 3.3 वर्जन का UFS लग के आ रहा है, और उससे पुराना था EMCP जिसमें RAM और ROM दोनों थे, वो 5.0 वर्जन या 5.1 वर्जन के EMCP होते हैं जिसमें RAM और ROM दोनों कम्बाइंड होते हैं। EMMC उससे पहले जिसमें सिर्फ ROM होता है, यानी इसका वर्जन होता है 4.5। तो ये है आपका। तो अब हम बोर्ड में देख लेते हैं कि किस कंपनी के किस नाम से मिल रहे हैं और कैसे पहचानते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये एक बोर्ड ले रखा है हमने, और इस बोर्ड में ये बड़े साइज़ की दो ICs लगी हैं। इनमें से ये क्वालकॉम तो CPU हो गई, और इसके जस्ट बगल में ये M बना हुआ है और इसमें राउंड लगा हुआ है। तो ये जो कर्सिव M बना हुआ है राउंड वाला, इसका मतलब ये MediaTek नहीं, ये क्या है, Micron है। तो ये Micron का क्या होगा, ये फ्लैश IC होगी, Micron की फ्लैश IC है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे ये लगी हुई है फ्लैश IC, दो बड़े साइज की IC, इनमें से ये फ्लैश IC है। और इस फ्लैश IC में देखिए KL से नंबर स्टार्ट है, KL से नंबर स्टार्ट होने का मतलब इसके अंदर ROM है, RAM नहीं है। तो ये आपकी क्या है, फ्लैश IC है KL से, जिसमें सिर्फ ROM है, और ये सैमसंग कंपनी की है। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से ये फ्लैश IC है, ये फ्लैश IC है, इसमें नंबर स्टार्ट है KM से, तो KM मतलब RAM प्लस ROM, इसमें RAM और ROM दोनों हैं। तो RAM और ROM दोनों हैं और ये सैमसंग कंपनी के है। दूसरे स्टूडेंट एक सस्पेंस आपको और क्रिएट करते हैं वीडियो में, इसके लिए आपको लगेगा कि फ्लैश IC में बहुत कुछ है बताने जैसा। जैसे इसमें उल्टे साइड से हमने इस नंबर को पढ़ा तो देखिए ये लिखा हुआ है H9, तो इसका भी एक अपना मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक PCB है, इसमें इधर लिखा हुआ है SK Hynix, और इसके बैक साइड में ये एक IC लगी हुई है। तो ये जो आपकी SK Hynix है और इसमें H9 लिखा हुआ है, तो H9 का मतलब होता है इसमें RAM और ROM दोनों है, और इसकी मोटाई भी ये बताती है कि RAM ROM इसमें दोनों है, और ये ब्लैक पेस्टेड IC है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे SanDisk की। तो स्टूडेंट्स देखिए ये एक SanDisk की है, तो जो SanDisk की है वो ताइवान में बनती है। कभी कभी क्या होता है IC के ऊपर सिर्फ ताइवान लिखा होता है या ताइवान का लोगो बना होता है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से होती है इस IC की, और ये रिवॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने Micron का लोगो दिखाया, वैसे ही कुछ इस टाइप का ये ताइवान का लोगो है, ये इस तरह से बना होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको फ्लैश IC की पहचान समझ में आई होगी, और कुछ कंपनियों के नाम आपके सामने खुल के आए, RAM ROM के बारे में थोड़ा आइडिया लगा RAM ROM किस में होती है। लेकिन ये सिर्फ फ्लैश IC का 1% था,
और सारी जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन करिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आईसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।